बोला देखो फोटो निकाले बोल रही हूँ क्या दा अभी ग्लैन का बिल्कुल भी मत लेना ग्लैन क्या रखना पानी डाल के ये कौन सा है एलजी आपको इतना बड़ा चाहिए तो चलेगा 265 का और ये 330 और वो 346 नीचे खोल नीचे 260 लीटर है ना ये देख बहुत नीचे लग रहा है ना एकदम शायद पैक पीस का प्राइस है 27 मतलब खोलने अपना कैसे ज्यादा है ना हम लोगों को नीड 260 लीटर है तो आपको छोड़ना सो हेलो फ्रेंड्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू कैसे आप लोग जरूर कमेंट्स करना एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स और ये ब्लॉग है कुछ अराउंड 4 दिन पहले का जी हाँ क्योंकि 2 दिन से मेरा ब्लॉग नहीं जा रहा है और मेरा एक्चुअली मूड भी नहीं कर रहा क्योंकि यूट्यूब पे ना जैसे लगता है कि कोई सपोर्ट नहीं करता बहुत हो गया हमने मेरी वीडियो बहुत सारी मैंने डाल दी है बट एक भी वीडियो ऐसे नहीं कि वायरल हो रही है या मुझे सब्सक्राइबर मिल रहे हैं सो बहुत ही हम ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है इसलिए बहुत ही ज़्यादा यू नो बुरा भी फील होता है कि इतनी मेहनत कर रहे हैं बट कोई भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है बट एनीवे अपना काम कर रहे हैं एक दिन तो ज़रूर ग्रो करेंगे यही होप है सो प्लीज़ आप लोगों के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ कीप सपोर्टिंग टू अस अगर हमें से कोई भी गलती कहीं पे भी होती तो प्लीज़ हमें आप बताइए हमें नो तो हम अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे सो बस यहाँ पर मैं आई हूँ फ्रीज देखने और ये 2 दिन पहले का ब्लॉग है और ये वीडियो मैंने बनाया था इसलिए मैं एडिट करके आप लोगों के लिए डाल रही हूँ अगर ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना फ्रेंड्स और जो लोग ने सब्सक्राइब करके रखा है और जो कमेंट्स करते हैं प्यारे प्यारे उनको थैंक यू सो मच क्योंकि आप लोगों के जो लोग देखते हैं ना उनके वजह से हम चार्ज हो जाते हैं और वापस से यू वीडियो बनाते हैं देखो फोटो निकाले व्यू के अवतार देखो जंगली कितनी मस्ती करने लगी प्यू तू इन मुझे पड़ता है मैं प्यू बस 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 वेलकम बैक टू आवर चैनल मैं हाँ हाँ अच्छा है सब मोबाइल पे बोल दे छोटा छोटा दे रहे हैं लोग प्यू एप्पल खा ले चलो बेटा आ जाओ आ जाओ लला वाह 50% है देखो टू गुड कचड़ा साइड में रखते जाओ ये कचरा सो यहाँ पर हम आए थे ब्रांड फैक्ट्री अगर कोई आया है ब्रांड फैक्ट्री में तो जरूर कमेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे यार और 50% डिस्काउंट लगा के रखा था बट नो अरे वो भी खाते नहीं कौन कर रहा है खाते अच्छा होता है एक दे दो मुझे भी चप्पल पहनो बस मैं और बिंदु रहे और शॉपिंग ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता और यहाँ पर हम आ गए स्टार बाज़ार जो कि नीचे ग्राउंड फ्लोर पे है तो यहाँ पे हिमालय का पिंपल क्लियर देख रहे थे और गोल्डी को थोड़ा बहुत पिंपल सा तो देखते हैं कैसा है ये और उसका रिव्यू भी बनाएंगे आप लोगों के साथ और बस हिमालय के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं और बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से शॉपिंग करना हमें आप लोगों को कैसा लगता है ज़रूर बताना ये विंडो शॉपिंग करने हम आए हैं बट कुछ ना कुछ ज़रूरी ख़रीद लेते हैं अगर कुछ दिखा तो और ये देखिए मेरा फेवरेट सेक्शन बट मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं बट बोल के आई हूँ कि मैं नेक्स्ट टाइम आऊँगी तो ज़रूर ले लूँगी और मेरे हस्बैंड ऐसे लेने नहीं देते बोलते तुम कितना प्लास्टिक से प्यार करती हो सो आप लोगों का कैसा है मुझे प्लास्टिक बहुत अच्छा लगता है और ऑर्गेनाइजर मुझे बहुत ही पसंद है बट मेरे हस्बैंड ना मुझे बिल्कुल भी लेने नहीं देते When it hurts like this
सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग वंस अगेन। कैसे आप लोग? और यहाँ पे मैं बना रही हूँ निमोना। और जैसे कि ठंडियों के सीज़न आ गई है, तो इसमें इस सीज़न में आपको वटाने इस तरह से बहुत ही इजीली मिल जाते हैं। सो बहुत ही इजी होता है बनाना इसे। और इसे अच्छी तरह से शेलो फ्राई करके इस तरह से पीस लेना है। इसमें मैंने गार्लिक और अदरक लहसुन डाल लिया था और जीरा। और बस उसके बाद ऑयल लेना है, और ऑयल जब जैसे ही गर्म हो इसमें डाल देना है जीरा। तो जीरा डालने के बाद इसमें ऐड कर देना हींग, और बहुत ही इजी बन जाता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कितने लोग बनाते हैं ज़रूर कमेंट्स करना। और यह हमारे यूपी साइड में बहुत ज़्यादा बनता है, तो कुछ इसी तरह से बनाते हैं हम। और यहाँ पर अनियंस को अच्छी तरह से सोटे कर लेना है। लाल जब हो जाए तो इसमें जिंजर गार्लिक का पेस्ट, देन इसमें ऐड कर दूँगी मैं टोमेटो। टोमेटो प्योरी डालें तो आप ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए तो सारे के सारे मसाले ऐड कर देने। मसाले एज़ यूज़ुअल आपको हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर सब ऐड कर दिया है। और उसके बाद इसे भी 2 मिनट तक ढक के पका लेना है। और ये खाने के लिए बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है फ्रेंड्स। और बस इसमें आप आलू भी ऐड कर सकते हो, बट मैं आलू ऐड नहीं कर रही हूँ। और यहाँ पे जो आपने पीस लिया था पीस को उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना, और इसमें ऐड कर देना है पानी। और बस बहुत ही डिलीशियस बना था फ्रेंड। अगर आप नहीं बनाते तो प्लीज़ इस तरह से बना के ज़रूर बताना मुझे कि कैसा बना है। और आप लोग किस तरह से बनाते हो भी मुझे ज़रूर कमेंट्स करना। सो बस यहाँ पे मैं पीहू के लिए मेथी का रोटी बना रही हूँ। ओ गुल्ली का दांत निकल रहा है, निकालो निकालो। उसको दर्द हो रहा है, निकल जा निकल जा। निकला नहीं, निकालो अभी निकालो निकालो निकालो, कुछ नहीं होता। गुड गर्ल गुड गर्ल। वो अपने तो नहीं हिलने की, नहीं निकल रहा तो रहने दो, बाद में निकलेगा, थोड़ा देर बाद खुद ही निकलेगा। हो गया एकदम, थोड़ा सा बचा है तो उसको हिला दो, हिला के निकालो। पूरा निकल गया इतना। पिल्लो क्या कर रहा है? देखो मेरा पिल्लो, ओ पिल्लो। ओ वाओ पिल्लू। और यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, चिल्लू नहीं हो रहा है ना, रहने छोड़ दो बाद में करो ना। दीदी का दांत देखो टूट गया, दीदी खाना नहीं खाता है, देखो बाद में करो ना। तो रहने दो, अपने आप टूटेगा, थोड़ा देर रुक जाओ। पिल्लू का दांत, अब इसको मिट्टी में डाल दो, दिखो दिखो। ओ माय गॉड, ये देखिए, ये देखो गोल्डी दीदी खाना नहीं खाया ना, देखो ये देखो दांत तोड़ दिया डॉक्टर ने, खाना नहीं खाया था ना दीदी ने। चलो इसको गाड़ते हैं अभी। आप उसे छत्ती वाला चूल्हा पड़ता है ना, ये सब सिर्फ डेकोरेशन, मतलब ऐसे फैशन के लिए। अभी जैसे ये चीजें हैं ना, सब डालना पड़ेगा आपको। बट इसमें चार चूल्हा नहीं आता ना, छह वाले में आते हैं। फाइनली मेरा एक काम हो गया। अभी ये भी देखो, इसको करना पड़ेगा, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। फिर तो बर्नर का ही पैसा पूरा हो जाएगा। तो चूल्हा नया होता है, नया जैसा ही होता है, फिर नया का बोली कमजोर आता है इसका। करते ऑल मोमेंट, नंबर बता दो 9 7 6 0 9 1 7 1 0। तो पूरे मुंबई में आपकी सर्विस है। तो यहाँ पे देखो हमने ये भी लगा दिया। तो ये 4 इंच अंकल बोल रहे 4 इंच होना ही चाहिए ना गैस पास होने के लिए। तो यहाँ पे हमने ये, हाँ बिट्टू वाह गुड गर्ल, देखो मेरा पियू ने सब खा लिया, गुड गर्ल। 4 इंच होना चाहिए है ना, और वो छोटा था।
एक्चुअली फैशन की दुनिया में गारंटी नहीं। हाँ ये साफ करने के लिए अच्छा, और आपने सही बोला हो गेस्ट पास होता नहीं है ना उसमें से, इसलिए वो फास्ट फास्ट। ये ब्रास है ना, ये देखिए, और हमें ना ऑनलाइन उल्लू बनाया गया है, वो दिखा दीजिए अंकल। ये देखिए हमें ये, और दो बार बंदे आके देख के गए बट कोई नहीं, तो ग्लैंड से ऑनलाइन कभी मत लेना आप लोग, ये मेरा सजेशन है। एक साल नहीं चला मतलब एक साल के पहले ही ये खराब हो चुका था। दो बार बंदे आए लेकिन देखे, बट उन्होंने खाली फोटो निकालते थे और लेके जाते थे बस। अभी कितने साल चलेगा, आप कितने साल गारंटी दे रहे? एक साल का तो गारंटी है, चलेगा लॉन्ग टाइम। चलो बस यही खराब होता है ना इसका, और उसमें कुछ है भी नहीं। हाँ। साइड से जल रहा था, पूरा फट गया था ना, चालू करते थे तो पूरा यहाँ से ये हट गया था। हाँ ये स्टार्टिंग में लिए तभी से ऐसा प्रॉब्लम हो रहा था। अभी उसको भी धीरे धीरे चेंज करूंगी बाद में। अभी ग्लैन का बिल्कुल भी मत लेना, ग्लैन सिकड़ी नहीं ना, सही बात है ना। अभी ये पकड़ेगा ना टोप को, जल्दी जल्दी गर्म होएगा। मैं बोलती हूँ ना खाना जल्दी क्यों नहीं पकता उसमें। दे दो कोई टिप्स, पानी से बचाओ बस। हाँ और खाना होने के बाद चूल्हे को पूरा ठंडा होना दो, गीला कपड़ा निचोड़ के साफ कर देने का। अच्छा, और ये 4 इंच ऊपर वाली बात, 4 इंच हाइट होना चाहिए तो गैस अच्छे से पास होता है ना। खाना होने के बाद नीचे से रेगुलेटर करना हो, बंद कर देना चाहिए। ओके, गैस का गंध आए तो लाइट का स्विच ऑन ऑफ नहीं करना चाहिए। क्या होगा तो अगर जैसे गैस की बदबू आ रही है? अच्छा अच्छा, तो स्विच ऑन ऑफ करना चाहिए। ऐसा नहीं कहते स्विच लाइट का ऑन कर दे या पंखा ऑन कर दे, अच्छा वो नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए, नहीं करना लाइट भी तो नहीं, स्पार्क हो जाता है, लाइट भी नहीं होना। अच्छा ये तो पता नहीं था मुझे बात, बिल्कुल ये सबसे सेफ्टी टिप्स है। हाँ अच्छा, थैंक यू, अच्छे से आपने सर्विस प्रोवाइड की, अदरवाइज तो बिरबल का खिचड़ी बन रहा था हमारे घर में। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता दूँ कि ये जो ग्लैन का सिकड़ी मैंने लिया था ये फुली ऑटोमेटिक लिया था, यानी कि लाइटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, बट ये लाइटर जो हम फुली ऑटोमेटिक लेते हैं ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, और इसमें खाना बहुत ही स्लो पकता है। तो मेरा यही सजेशन है, अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो तो ग्लैन का फुली ऑटोमेटिक बिल्कुल मत लेना, क्योंकि ये सिर्फ लाइटर की वजह से बहुत ही ज़्यादा ऊपर बर्नर रखते हैं, तो ये जो खाना बनाते हैं ना तो बहुत जल्दी नहीं पकता, बहुत टाइम लग जाता है। और फाइनली आ गया है ये फ्रिज, और बैक टू बैक आज बहुत सारे काम है, आज मतलब पूरा दिन मेरा एंगेज था। और ये रहा मेरा न्यू फ्रिज, कैसा लग रहा जरूर कमेंट्स करना। और ये फ्रिज आपने ऑलरेडी बिंदु दीदी के घर पे देख ही लिया होगा, नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर जाके देखना, उन्होंने इसका रिव्यू भी डाला है, और बस वो रिव्यू पढ़ के ही मैंने ये फ्रिज लिया। और मुझे बहुत सारे फ्रिज मैंने देखा बट आई डोंट नो व्हाई मुझे यही अच्छा लग रहा था, हम दोनों बहनों को ना एक ही चीज़ पसंद आती है कह सकते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे हस्बैंड जी को भी बहुत पसंद आया, क्योंकि इसमें 3 कंपार्टमेंट है, वेजिटेबल्स के अलग, स्टोरेज के अलग, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको पानी डालना है, ठीक है? क्या रखना? पानी डाल के जब आइस बन जाता है 2 से 3 बार ऐसे पुश करेंगे ना। अच्छा। तो इसमें आइस कलेक्ट हो जाता है। हाँ। हो जाता है। कितने मिनट में बनता है आइस? 1 आवर बाद बन जाता है। अच्छा, हाँ हाँ, इधर रख सकते हो आप? क्या रख सकते हो? अच्छा, एक मिनट, एक ठीक है, अभी ये साइड आ जाओ, इधर ड्राई फ्रूट वाला इधर रख सकते हो, ड्राई फ्रूट, चॉकलेट मेडिसिन वाला इधर रख सकते हो, मेडिसिन रख सकते हो, ठीक है, इधर जो भी सामान चिल करना हो इधर भी रख सकते हो। यहाँ पे हमेशा नॉर्मल रखना है, ठीक है, ज्यादा चाहिए तो हाई पे यूज कर सकते हो, ठीक है, ठंडा कूलिंग चाहिए तो, ठीक है, दो आई आपका। अच्छा, एक नॉर्मल है और नॉर्मल पे हमेशा आपको रखना है, नॉर्मल लाइट बिल भी आएगा और नॉर्मल ठीक रहेगा। अच्छा, ठीक है, इसमें तो ये सब रख सकते हैं ना, अपना नॉन वेज या ऐसे फ्रीजर में, यहाँ पे नहीं, इसमें हाँ उसमें नहीं, फिश वगैरह रख सकते हैं, फिश वहाँ पे, ठीक
या फिर नॉनवेज वगैरह रखते हो ना तो कड़क हो जाता है, जैसे कोई चीज है उसको चिकन उसको मसाले में लपेट के रखते हो ड्राई सॉपिंग के लिए ना, हाँ। तो इसमें नहीं रखना। अच्छा ऊपर रख सकते हैं इसमें, इसमें उसमें रख सकते हैं नहीं, जैसे लाके अगर रखना है हमें वैसे रख सकते हो, जैसे मेल्ट मिक्स नहीं की हो तो हाँ, रख हाँ, हाँ। फिर जब बनाना रहेगा तो निकाल लो, हाँ, निकाल तो, बना तो वैसे रख सकते हैं ना, स्मेल नहीं आएगी ना इसमें का, इसमें दूध का पैकेट बटर वगैरह दही वगैरह जो रखना चाहते हो रख सकते हो। अच्छा कुक का सामान इसपे 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 यहाँ पे रख सकते हो, खाने का जो कुक का सामान। अच्छा फ्रूट इसमें, अच्छा ये फ्रूट के अलग है, फ्रूट वगैरह इसमें रख सकते हो। और ये एक का आपका इसमें आप ये रख सकते हो, यहाँ पे ही रखना है अंडा, हाँ इसमें रख सकते हो, इधर भी रख सकते हो जो सामान रखना है, ठीक है। इसमें लिप बॉम हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक सामान इसमें रख सकते हो। अच्छा कॉस्मेटिक भी रख सकते हैं, हाँ इसमें कॉस्मेटिक सामान रख सकते हो, और बड़े बॉटल छोटे बॉटल भी रखना चाहते हो, ठीक है। बॉटल इसमें भी रख सकते हो, बड़े बॉटल इसमें रखना चाहते हो। और ये क्या है इसमें, चॉकलेट वगैरह रख सकते हो। अच्छा यहाँ पे भी है क्या, एक जो सामान छोटे सामान रखना चाहते, बॉटल लॉकर है, एक बॉटल है इसको लॉक लगा के रख सकते हो, बॉटल लॉकर है, बॉटल को लॉक लगा के रख सकते हो। अच्छा और इसमें सब्जियां वगैरह इसमें रख सकते हो, ठीक है, इसका एक फ्रेशनेस आता है, कभी कभार सब्जियां वगैरह खराब हो जाती है ना उसका इसमें आता है, तो इधर लगा के रख सकते हो। किसका आता है जैसा कार का रहता है ना वैसे का लगता है, क्या क्या FF सेट आता है फ्रेशनेस, जो खाना वगैरह खराब हो जाता है ना अलर्जी उसका स्मेल आता है ना, वो लगा के रखने पे स्मेल नहीं आता है। कितने दिन चलेगा वो? 6 महीने करता है। और नींबू आपको डब्बे पैक करके रखना है उसमें, क्योंकि उसका अगर ओपनली ऐसे रखेंगे ना उसका पीला पन हल्का आता है, नींबू का खो मतलब उसको काट के भी नहीं रखना है इसमें, बाहर नहीं मिलता, बाहर मिलेगा आपको लेकिन वैसा नहीं मिलता, वो लेदर पैक का ले लिए वो सर, हाँ बाहर नहीं मिलता क्या कवर, मुझे डिजाइनर चाहिए था, कपड़े का मिलता है उसमें दो मीटर वाले, एक्चुअली ये वर्लपूल का है वो ले ले, सेम कलर है हाँ मैंने लगवाया है ना, वो अच्छा लगता है, वो भी ले ले। अभी है आपके पास? हाँ अवेलेबल है अभी, स्टैंड आपका चाहिए इसका? स्टैंड भी चाहिए ना, स्टैंड के साथ में पूरा जितना होगा बंद कर, देख सकते ये है मेरे किचन का हाल जो कि है बेहाल। अब मैं जा रही हूँ सब सब कुछ अरेंज करने, और ये देखिए यहाँ पे किचन ऑर्गेनाइज नहीं है तो यहाँ पे मुझे इस तरह से करना पड़ रहा है। तो ये हस्बैंड जी लेके आए हैं रैक, जो कि मुझे इसमें, क्योंकि मुझे अप डाउन करने में बहुत बुरी तरह से कमर मेरी बैंड बच चुकी थी, सो बस इसे अरेंज करूंगी मैं और आप लोगों को फाइनल लुक दिखाऊंगी मैं। कैसे हो आप लोग? बहुत देर के बाद मैं आप लोगों से मिल रही हूँ, एक्चुअली मैं अभी भी नहीं मिलने वाली थी बट मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, क्योंकि जब तक नहीं मिलो ना तब तक कुछ अधूरा सा लगता है। बस आपको मैंने किचन दिखा दिया ना किससे हो गया, और सुबह से आज बस यही हो रहा है, फ्रिज आ रहा है जा रहा है, लोग आ रहे हैं जा रहे, फिर फ्रिज वाले आ गए बंदे, फिर बताने के लिए आ गए ऐसे, फिर आज मेरा गैस स्टोव भी बन गया फाइनली, और बहुत सारी चीजें मुझे पता चली जो कि मैं डिस्कस की हूँ। आप लोग पूरी वीडियो देखना, बहुत यूजफुल वीडियो है आज की। सो बस और इसे मैं ऑर्गेनाइज करूंगी जैसे कि मैंने बताया मेरा किचन कैसे हो गया। और देखिए मैं बालों को जा रही हूँ चंपिंग करने, और बहुत सारे काम बस काम खत्म ही नहीं होता यार, बस ऑर्गेनाइज करके फिर आप लोगों से मिलती हूँ। होप सो अभी बहुत ज्यादा थक भी चुकी हूँ मैं, तो अपना ब्लॉग पता नहीं कंटिन्यू करूंगी या नहीं करूंगी, लेट्स सी। बट
कैसा लग रहा है आप लोगों को जरूर बताना। और ये देखिए मेरे बिंदु दीदी जैसा सेम फ्रिज ले लिया है और इसका रिव्यू भी मैं करूंगी कैसा है ये फ्रिज, मुझे काफी अच्छा लगा। और ये मैं बिंदु दीदी का फ्रिज देख के ही ऑर्डर की थी और मेरे हस्बैंड को भी यही अच्छा लगा। इसमें एक्चुअली 3 कंपार्टमेंट है ना इसीलिए। चलिए मैं अपना काम कर लेती हूँ और आप लोगों इंटरेस्टिंग अच्छी और बहुत ही अच्छी ब्लॉग के साथ मिलती हूँ मैं। तो अपना ब्लॉग मैं यही खत्म करती हूँ, फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ जब ये हो जाएगा। मैं शूट नहीं करूंगी क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ। चलिए फिर कैसा लग रहा है ये ब्लॉग जरूर कमेंट्स करना। और पता नहीं मैं ये जो बोल रही हूँ ये भी मैं डालूंगी या नहीं डालूंगी पता नहीं, क्योंकि बहुत ही गंदा अवतार आया है यार। मैं देखिए कितनी बुढ़ी, सच में बुढ़ी हो गई। मुझे ना बिल्कुल खुद के केयर के लिए टाइम नहीं मिल रहा है और मेरा कमर की इतनी बैंड बजी थी ना, इतनी बैंड मतलब अप डाउन के चक्कर में, नमक नीचे शक्कर नीचे मतलब सब कुछ ऊपर नीचे। तो मेरी पूरी जो हड्डी थी ना जहाँ पे ऑपरेशन होता है ना इंजेक्शन लगता है ना, बहुत ही बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। मैं बहुत बता नहीं सकती कितना पेन हो रहा था, बट फाइनली मेरे पास एक कुछ साधन आ गया है क्योंकि रेंट के घर पे है ना आप कुछ भी, बहुत लोगों को नहीं पता ये रेंट का घर है, तो मैं खुद का घर छोड़ के रेंट के घर पे आई और इतना मतलब मुझे ये हो रहा है ना, मतलब कि कभी समटाइम्स सोचती हूँ ना कि खुद का घर होता है यार, बट रेंट के घर पे आके रहना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। बट एनीवे पीहू की वजह से हम आए हैं और काफी फास्ट में बात कर रही हूँ यार, पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कहीं जाना है मुझे। सो चलिए खुद का घर छोड़ के रेंट के घर पे आना, और जब इनके कितने सारे नखरे होते हैं ना जब ओनर के जहाँ पे आप रहते हो तो सुन के तो और गुस्सा आता है, बट एनीवे लाइफ है, मुंबई की लाइफ है, करना ही पड़ेगा। चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, इंटरेस्टिंग ब्लॉग में। और तब तक ये ब्लॉग कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। और ये देखिए कुछ भी हाँ, चलिए बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। भाजी आया कितने भाजी लाया, 1 2 3 4 5 क्या क्या लाई पहले वो दिखा दो। 110 रुपीज का पूरा भाजी। ओ माय गॉड, पैसे लोगे क्या? नहीं ये फ्री में। और क्या क्या लाई हो? चलो मैं बाद में खोलती हूँ, बहुत मैशी हो जाएगा। अभी देखो मैंने ऑर्गेनाइज किया थोड़ा बहुत और अच्छा तो नहीं लग रहा है बट काम चला हुआ है। इसको गर्म पानी उससे कर ले, क्लीन कर ले। चलो फोन आ गया, अभी क्लीन कर ले। लेकिन मेरे पास नींबू विनेगर नहीं है ना, स्वास्तिक बनाया देखो मैंने पूजा किया। अच्छा सबसे पहले पूजा ही करना चाहिए। क्लीन कर ले मैट, फ्रिज मैट नीचे सब में डाल दे। इसलिए लिया था लग